गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 कराऊंगा। पॉइंट का प्रश्न है, पॉइंट के बारे में जानिएगा। पॉइंट को फ्रंट व्यू में देखिए, टॉप व्यू में देखिए, साइड व्यू में देखिए, यानी पीपी में देखिए, सब में वो पॉइंट ही देखेगा। पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी व्यू में देखेगा तो क्या होगा, पॉइंट ही देखेगा। ए पॉइंट बी है, बी उसका नाम दिया गया 30 mm AOHP और 40 mm का है बिहाइंड VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बताइए तो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, AOHP बिहाइंड VP, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो 30 mm AOHP 30 यहाँ चले आए, 40 बिहाइंड VP यहाँ चले आए, दोनों इसको इधर बढ़ाइएगा और इसको ये इधर बढ़ाइएगा ऊपर, इसको लेफ्ट साइड और इसको ऊपर, तो क्या हमें पॉइंट बी का लोकेशन फाइंड आउट होगा, बी का पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट होगा। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट बी मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन भी देखिए, आप देख लीजिए इस तरीके से आया है। अब आपको पता है फ्रंट व्यू VP में बनता है और टॉप व्यू HP में बनता है, ये आप पहले से जानते हैं। फ्रंट व्यू इधर देखिए, फ्रंट व्यू सामने से देखिए, VP में बनेगा, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, पहले तो B लिखेंगे छोटा। फ्रंट व्यू में क्या होता है, डैश लगता है, तो डैश लगा दीजिए। अब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू बनता है कहाँ, HP में बनता है, इसमें डैश नहीं लगता, इसमें क्या है, डैश नहीं लगेगा। HP में यहाँ पे बन जाएगा, B है तो आपका स्मॉल B लिख दीजिए, B है तो स्मॉल B लिख दीजिए। अब आपका इस शेप का नोटबुक नहीं रहता, आपका नोटबुक बिल्कुल प्लेन रहता है। रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रूल कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे, यही रूल कहता है। क्लॉक ऐसे घूमता है, यानी इस तरीके से यहाँ से ऐसे घूमेगा तो यहाँ से भी ऐसे देखिए क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री तक, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बना भी लेता है, ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री बनाता है। इसको रोटेट कीजिए, जब 90 इसको रोटेट कीजिए, ये यहाँ आएगा तो ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, ये और थोड़ा उधर ऊपर ले जाएंगे तो थोड़ा और ये नीचे चला जाएगा। एक टाइम जब 90 डिग्री पे आएगा तो ये 10 के जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, 20 का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, 30 का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा और 40 का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। मीन्स ये बी जो है, बी यहाँ पे चलाएगा 40 के जगह आ जाएगा। इस तरह से देखिए, यानी बी जो है यहाँ पे चलाएगा, कहने का मतलब है एक्सिस लाइन से दोनों ऊपर रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन भी दोनों एक्सिस लाइन से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी ऊपर है ही, हॉरिजॉन्टल भी ऊपर चला गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन के तो ऊपर ही चला गया। तो सपोज यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है, पेंसिल से आप बिल्कुल 40 कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेजरमेंट के लिए यहाँ से 40 है, तो 40 है, ये हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 का डायरेक्ट लाइन ले लीजिए, ये बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 40 है और बी डैश 30 है, यानी यहाँ पे रहेगा, मेजरमेंट करके करेंगे तो बी यहाँ पे, बी डैश यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी, यानी इस लाइन पे जब ये लाइन जो है इस लाइन पे चढ़ जाएगा तो 40 यहाँ चलाएगा, 30 यहाँ पे ऑलरेडी
अपने जगह पर है मौजूद पहले से ही। इस तरीके से ये 30 mm यहाँ पे चलाएगा, तो हम यहाँ नोट करके देख लीजिए कि बहुत हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन बोथ HP एंड VP एव हैव द एक्सिस लाइन। एक हम लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट मिला कि HP और VP एक्सिस लाइन के ऊपर चला जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना है, VP ऊपर रहता है और HP नीचे चला जाता है। ये HP देखिए नीचे चला गया, VP ऑलरेडी ऊपर है ही, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं बता रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ऊपर चला जाता है। बिल्कुल पॉइंट को HP से करेंगे और लाइन को 4S से करेंगे, ठीक है। मैं एचकेल से नहीं किया हूँ, जल्दी जल्दी में आप देख लीजिए।